कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर कदम तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो कल तक बाबा की जिस बात हम मजाक लेके चल रहे थे, वो आज तुमने सच कर दिखाया। दूल्हा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे दादा, सो जिद कर रही थी कि मैं यही रुकूं और उसके साथ उसका होमवर्क करूं, उसकी हेल्प करूं। तुझे पता ना कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी वो। अरे दादा, लेकिन मैं आ नहीं सकती थी ना। ये सब तो तू रात को आके भी कर सकती थी ना। तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? पर माँ, तू देख नहीं रहा है क्या वो क्या क्या हैंडल करेगी? ऑफिस भी, सोहा को भी, तू भी तो कर सकता है ना। माँ, वो मीटिंग में उसका रहना बहुत जरूरी था। मुझे लगता है अगर देव सोना के साथ होता तो दोनों चीजें मैनेज हो जाती। अरे तुम लोग मुझे ऐसे क्या भूल रहे हो? क्या गलत कह दिया मैंने? देव अगर सोना के साथ होता ना तो सिचुएशन डिफरेंट होती। क्या डिफरेंट होती? और बाबा, देव अचानक से कहाँ आ गया? आपको लगता है कि देव सब कुछ छोड़ के सोना की हेल्प करता है यहाँ पे? कुछ भी बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूँ सोच कर ही बोल रहा हूँ। बच्चों और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वाइफ की होती है, ये कहाँ लिखा है? हस्बैंड भी तो ये काम कर सकता है। तुम फालतू की बहुत बहस कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, कोई सोचना ही नहीं चाहता। मैं देव से नफरत करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ये काम कर सकता है। तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड वाइफ का काम क्यों नहीं कर सकता? हस्बैंड और वाइफ के रोल चेंज क्यों नहीं हो सकते? मुझे ऑफिस में काम है, मैं निकलता हूँ। किचन में सब्जी है। सोहा, यही प्रॉब्लम है। थोड़ी इंस्पिरेशनल बात करो तो सब लोग भाग जाते हैं। देव, पता है बाबा ने आज क्या कहा? उन्हें लगा है कि अगर तुम मेरे साथ होते तो शायद घर पे बैठ के सोहा को संभालते और मैं ऑफिस जाकर अपना काम संभालती। बात बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि हमारी सोसाइटी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी उनकी बात पर यकीन करने को दिल कर रहा था देव, क्योंकि मैं जानती हूँ ना कि तुम दुनिया के बनाए हुए नॉर्म्स पे नहीं बल्कि अपने नॉर्म्स पे जीते हो। मैं सही कह रही हूँ ना देव? नीले लोग डिनर पे आ गए सौरभ। रोनिता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो ना। बहुत दिन से मुझे ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था और सब थे तो मिस्टी, तो मैं तुम्हें कह नहीं पाया। सौरभ, जो बोलना है बोलो ना, तुम मुझे डरा रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए सौरभ? मुझे मेरी लाइफ की बेस्ट गिफ्ट देने के लिए, मुझे परफेक्ट बनाने के लिए, ऑल बिकॉज ऑफ यू। और ज्यादा एफिशिएंट भी हो गया हूँ। और तुम भी धीरे धीरे ये सब सीख जाओगी। मैं सीख जाऊंगी। मतलब मुझे कुछ आता नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने कहा। मतलब मुझे सीखना पड़ेगा, है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं तुम्हें बस ऐसे टीज कर रहा था। नहीं, तुम मुझे टीज नहीं कर रहे थे एक्चुअली सौरभ। अरे तुमने ना ये चीज पहले भी पॉइंट आउट की है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर पे बैठ के सिर्फ टाइम पास करती हूँ? रोनिता, सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रहा था। तुम ऐसा ही कहना चाह रहे थे सर। अरे तुमको ये लगता है कि मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती हूँ? नहीं रोनिता, मेरी तुम मैच्योर हो गए हो, तुम परफेक्ट हो गए, तुम एक्सपर्ट हो गए हो। अरे नहीं, मैं एक्सपर्ट हूँ ना ही तुम एक्सपर्ट हो। आई मीन हम दोनों परफेक्ट नहीं है। दोनों की बात तुम मत करो, तुम अपनी बात करो। मुझे अपना पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा था कि थैंक यू बिकॉज ऑफ मिस्टी, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई, उसी के बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ आज इतना ऑफिस से टाइम निकाल के मैं तुम यही सब कहने के लिए लाए थे ना मुझे? वरना मुझे घर पे बिठाना चाहिए था। अगर इंसल्ट करनी थी तो घर पे कर लेते। डिनर डेट पे कौन इंसल्ट करता है अपनी बीवी की? बात को कहाँ लेके जा रही हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सौरभ धीरे बोलो, सब लोग सुन रहे हैं। रोनिता देखो, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है तुम्हें, मैं सिर्फ तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, वो भी दिल से। अगर ये थैंक यू कहने का तरीका है ना, तो थैंक यू मिस्टर सौरभ, तुमने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया। हम घर पे ही बैठने चाहिए था, हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, मुझे तो घर पे ही रहना चाहिए था कि तुम बाहर जाके ऐश कर सको। इतने दिनों बाद हम अकेले बैठ के कॉफी पी रहे हैं यहाँ। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। सोनाक्षी, हम कुछ तो गलत कर रहे हैं जो लोगों को हमारी पेरेंटिंग पे सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। कौन सवाल उठा रहा है? अरे एलिना और विक्की गोलू के पेरेंट्स, और उन्हें तो हमेशा गोलू की चिंता रहेगी। अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम ऑफिस जाते और मैं घर पे रहती तो क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करते मेरे काम में? क्यों नहीं, बिल्कुल करता, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि तुम मेरी मदद नहीं कर रही। करती हूँ,
लेकिन और थोड़ा ज्यादा कर सकती हो इसलिए। सोनाक्षी मैं मैनेज कर लूंगा। आई नो तुम मैनेज कर लोगे। अब देखो ऑफिस में हम काम करते हैं और हमारा स्टाफ भी काम करता है। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ जल्दी कर सके, इफेक्टिवली कर सके, और पेरेंटिंग भी तो ऐसे ही करना होगा हमें। तभी तो ये सब कुछ वर्कआउट करेगा। लिसन, हमारी स्ट्रेंथ अलग अलग है। कुछ चीजों में तुम अच्छे हो, कुछ चीजों में मैं अच्छी, करेक्ट? अगर हम दोनों मिलकर पेरेंटिंग करेंगे तो आई एम श्योर कि शायद हम परफेक्टली सब कुछ कर पाएंगे, है ना? वैसे बिजॉय, अच्छा हुआ ये दोनों आज मिष्टी को लेके अकेले बाहर गए हमारे बिना। इन्हें पता चलेगा कि अब बच्चे को कैसे बाहर हैंडल किया जाता है। आशा, मुझे लगता है अभी ये दोनों रेडी नहीं है। नहीं नहीं, बड़ी तेजी से सीख रहे हैं सब कुछ, और स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबको होती है ना। अब कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अरे रोनिता, सौरभ को था है? तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? रोनिता ये क्या तरीका है, तुम्हें गुस्सा क्यों आ जाता इतना जल्दी? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताओगे कुछ? माँ मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सौरभ की है। मेरा पूरा डिनर डेट खराब कर दिया। अरे पर किस बात पे लड़ाई हुई? इसे लगता है कि मुझे पेरेंटिंग नहीं आती। अगर इतना ही है ना सौरभ, तो अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठो। हाँ घर पे बैठो और अपनी बच्ची को संभालो। ऐसी कोई बात ही नहीं है माँ, तुम बात को बढ़ा मत, ठीक है? और ठीक है तुम्हें लगता है ना, तो अभी अभी माँ बाप से पूछ लेते हैं कि हम लोग में से अच्छा पेरेंटिंग कौन कर सकता है। माँ बाबा प्लीज आप बताओ, हम दोनों में से अच्छा पेरेंटिंग कौन कर सकता है? बाबा आप बताओ कौन है हम लोग में से बेटर पेरेंट। बात बंद करो तुम दोनों। पहले ये बताओ सोनिता कहाँ है? रोनिता के पास। सौरभ के पास। मिष्टी को था है? माँ बाबा हम लोग रेस्टोरेंट में भूल गए सोनिता को। और अगर हम एज ए टीम काम करेंगे तो सब कुछ अच्छी तरह से जाएगा, और देव अभी तो कोई वर्क प्रेशर भी नहीं, तो सब कुछ ठीक होगा। अगर तुम मुझे अलाउ करो तो ओके। अरे अलाउ करो क्या होता है? ऑफ कोर्स। एशो अब हमने डिसाइड कर ही लिया है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान? हाँ प्लान, मतलब तुम क्या करोगे मैं क्या करूंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। तो सुबह मैं बच्चों को ड्रॉप करूंगी स्कूल, क्योंकि मैं तब तो ऑफिस के लिए निकलती हूँ। ओके और मैं बच्चों के टिफिन पैक करूंगा, वो तो मैं ही करूंगा। ओके फाइन, तो सुहा को मैं रेडी कर दूंगी, उसकी चोटी ऊपर नीचे नहीं होगी ना। और गोलू को मैं रेडी कर दूंगा क्योंकि उसकी चोटी है ही नहीं। ओके तो रात में आके मैं दोनों को सुलाऊंगी और मैं दोनों को टाइम पे उठा दूंगा। ओके डन। और क्या बचा है? हाँ साइंस मैं पढ़ाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ाओगे। बाकी सारे मैं? अगर किसी सब्जेक्ट में तुम अच्छे नहीं हो तो बता देना। क्या हुआ, मजाक कर रही थी? आई नो, लेकिन मैं जिस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा हूँ वो याद आ गया। क्या? यही तो मौका है अपना फेवरेट सब्जेक्ट रिवाइज करने का। अच्छा तो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट रोमांस है। याद है सोनाक्षी, जब हम वो टपरी पे बैठ के कॉफी पीते थे और वो बारिश में डांस करना। और उसमें तुम हमेशा टॉप करते थे। और टीचर तो तुम ही हो ना। रोनिता को रेस्टोरेंट में छोड़कर कैसे आ सकते हो? दिमाग बेच आए हो क्या तुम दोनों अपना? बाबा ये सब रोनिता की वजह से हुआ है, वो वहाँ पे लड़ना शुरू कर देती थी। अरे मैंने लड़ना शुरू किया कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स देने के लिए? मैं तो वहाँ से निकल गया था ना, तो तुम तो वहाँ पे रुकी थी, मेरे बाद निकली, तुमने देख सकती थी। मैं तुम्हारे बाद नहीं, मैं पहले निकली थी। शट अप, पेरेंट्स कहलाने लायक नहीं हो तुम दोनों। बाबा हम लोग दोनों अलग अलग कैब में आए, इसी में शायद कंफ्यूजन हो गया होगा। बाहर में जाए कंफ्यूजन, अगर मेरी रोनिता को कुछ हुआ ना, चलो अभी रेस्टोरेंट चलो। चलो गाड़ी निकालो।
रिया सोनी तो आपके पास इत्तेफाक से उस दिन मैं उसी रेस्टोरेंट में थी जहाँ पे तुम दोनों डिनर कर रहे थे तो मैंने सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दे दूं पर तुम दोनों ने तो उल्टा मुझे ही सरप्राइज कर दिया अपनी बेटी को रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गए अरे जिसके पीछे तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे उसे घर वापस लाने भूल गए ये क्या तरीका है बच्चे को संभालने का इतनी बड़ी गलती तुम दोनों कर कैसे सकते हो नहीं मैं ऐसे पहली बार हो गया हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं शोनिता का वो तो मैं देख ही रही हूँ कि कितना ध्यान देते हो अपनी बेटी की तरफ तुम लोग ना दीदी ध्यान तो रखते हैं ये लोग माँ ऐसी गलती आइंदा कभी नहीं होगी हाँ माँ लेसन लर्न फॉर लाइफ मुझसे सॉरी मत बोलो तुम दोनों अपनी बेटी से बोलो अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो क्या होता है सॉरी बाबू सॉरी सॉरी मम्मा की तरफ से सॉरी पापा भी सॉरी बोलेंगे आपको आइंदा अगर दोबारा ऐसा हुआ ना तो देख लेना तुम लोग नहीं बाबा नहीं होगा हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू ये सब देखने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती ना कि तुम दोनों पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकते हो तब तक मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ पापा को बहुत काम है सोहा स्कूल नहीं जाना लेट हो जाओगी उठो सोहा सोहा मैं उठ गई गुड गुड अब जाके जल्दी से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए लेट हो जाएगा ना देखो शुभ आपकी दीदी उठ गई गुड मॉर्निंग पापा गुड मॉर्निंग शुभ आई लव यू मैं रेडी होने जा रही चल आज कुछ गलत नहीं होगा बिल्कुल नहीं होगा बोलू तूने बैग पैक कर लिया ना अपना बिक्चा दे मैं टिफिन डाल दूँ नहीं नहीं बिक्चा मैं कर लूंगा जी क्या हो गया अचानक से आप सबकी हेल्प करती हो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ओके बैग दो सब क्या है पोहा देव जल्दी करो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा चलो चलो क्या हुआ बच्चों पीछे बैठे बैठे बोर हो रहे हो हाँ पापा ओके क्विज टाइम ये तो ठीक है पहला क्वेश्चन के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जवाहरलाल नेहरू यस करेक्ट गुड गर्ल दूसरा क्वेश्चन इंडिया की कैपिटल क्या है न्यू दिल्ली अरे वाह वेरी गुड गोलू कम ऑन यार तूने एक भी जवाब नहीं दिया अभी तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ गोलू देगा ठीक है रेडी हाँ बच्चा तो बताओ कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चा मुझे याद है मुझे आ रहा है याद मुझे आ रहा है याद आ रहा है याद आ रहा है अरे बेपता बुद्धू तो बुद्धू मुझे याद आ रहा था ना तू याद ही करता रहा मैं जीत जाऊंगी कम ऑन गोलू यार तुझे कहा था ना कल ये सब पढ़ने के लिए लेकिन तूने कुछ भी नहीं पढ़ा एक सवाल का भी आंसर नहीं दिया अरे कोई बात नहीं आज घर पे जाकर गोलू सब कुछ सीख लेगा फिर देख कल कितना फटाफट से सब जवाब देगा है ना गोलू हाँ हम दोनों साथ में रिवाइज करेंगे ओके ओके तो बाल बाल बच गए एक चौन ने ऑलमोस्ट ये फोन देख लिया था बोलो तेरी वजह से हमें भी डांट पड़ जाती तो ये गेम खेला छोड़ क्यों नहीं देता तेरी वजह से मुझे भी पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है गेम ही तो प्ले करने साथ में स्टडी भी कर लेंगे तुझे आज क्लाउड कैसे फॉर्म होता है तुझे उसका आंसर भी नहीं पता था जबकि तूने थोड़े दिन पहले ही क्लास का आंसर दिया था अब मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगी अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी अब तेरी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्यों या मैं
के क्वेश्चन पेपर है जो गेम एडमिन ने भेजे ताकि हम फेल ना बोलो उन्हें हमारे एग्जाम के पेपर कैसे मिले ये तो बिल्कुल रॉन्ग है इसमें रॉन्ग क्या है अगर हमें पहले से आंसर पता होंगे तभी तो हम टॉप करेंगे ये तो चीटिंग हुई ना गोलू और हम चीटिंग करके टॉप नहीं करेंगे तो तुम मुझे काम नहीं करने दोगे ना आई लव यू देव अरे I love you का reply देव नहीं होता। Come on, I love you। ये तो पहले वाले जवाब से भी बुरा था। सोनाक्षी, फटाफट जवाब दो। ते मैं ऑफिस में हूँ। तो क्या हुआ? अगर तुम ऐसे ही नाटक करोगी ना, तो मुझे ऑफिस ही आना पड़ेगा। अरे, जवाब सुनने के लिए यहाँ तक आओगे? पागल हो गए हो? हाँ, क्यों नहीं? अब तुम इतने नाटक कर रही हो तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे बेटे को कौन संभालेगा? अच्छा ऐसा तो एक काम करते हैं मैं और आपका बेटा साथ में ही आ जाते हैं देव ठीक है मस्ती हो गई तो मैं काम करूं देखो जवाब सुनने तो मुझे आना ही पड़ेगा या सोच लो आ गया हूं ठीक यही से फोन कर रहे थे ऑफ कोर्स मुझे पता था तुम सीधे सीधे जवाब दोगी नहीं इसलिए मैं यहीं आ गया आई लव यू टू कैन वी शिफ्ट द मीटिंग टू 4 प्लीज यस मैम Sorry. Oh. तुमको अगर बच्चा संभालना सीखना है तो सब बेसिक से सीखना होगा मुझे बॉइल करना आता है थोड़ा सा दूध उबल अरे तो किचन में क्या कर रहा है ऑफिस में क्या आ, वो मिस्टी सुबह से क्रैंकी हो रही थी तो रोनिता उसे संभाल रही है सासू माँ ने कहा कि हाँ इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया सौरभ से कि आज वो ऑफिस से छुट्टी ले ले ताकि मैं उसको अच्छे से सिखा सकूं कि शौनिता को कैसे संभालना है अच्छे से ऑर्डर किया था बाबू बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट किया था माँ इसीलिए मैं यहाँ दीदी आप सौरभ को ये सब सिखाना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है पर किचन के काम में इसकी क्या जरूरत है किचन का सारा काम तो मैं ही संभाल लेती हूँ इनफैक्ट रोनिता को भी मैं ही हेल्प कर देती हूँ किचन में और जहाँ तक शौनिता के काम का सवाल है वो तो इन दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा ना तभी तो पता चलेगा बच्चे कैसे बड़े होते हैं आशा दी आपका क्या मतलब है अरे मेरी रोनिता ही तो सब कुछ करती है वो ही तो संभालती है शौनिता को अब तो जरूरी है कि सौरभ भी सब कुछ सीखे इसीलिए इसीलिए आज से ही सौरभ का ट्रेनिंग स्टार्ट है ना सौरभ है चलो अभी इसको साफ करना भी सीखते हैं है ये बंद हो गया है अभी चलो चलो साफ करते हैं बहुत काम बाकी है हाँ इससे निकालो 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 तो परफेक्ट अभिलाष 15 आउट ऑफ 20 अनु 10 आउट ऑफ 20 सुहाना 19 आउट ऑफ 20 थैंक यू मैम वेलकम गोलू 20 आउट ऑफ 20 ये थैंक यू मिस ये गोलू एक मिनट इधर आना मैंने अच्छे से तो चेक किया था ना सुहाना एक मिनट आना मैंने तो अच्छे से क्या मैं एग्जाम के क्वेश्चन पेपर है जो गेम एडमिन ने भेजे ताकि हम फेल ना गोलू आपने पहली बार इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए या मिस मैंने लास्ट टाइम बहुत लो स्कोर किया था इसलिए मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की है गुड सना ने भी ना अगर ऐसे ही पढ़ते रहे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे प्लीज आप प्लीज हमारे मॉम डैड को कॉल करके बता दो कि हमारे फुल मार्क्स हैं ठीक है मैं उन्हें कॉल कर दूंगी थैंक यू मिस वेलकम हेलो जी
थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी न्यूज दी। दोनों के हाईएस्ट मार्क्स। वाओ। अब तो मुझ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया ना? कॉन्फिडेंस गया ही नहीं था, ओके? लेकिन आई एम रिलीव्ड। अब पता चला कि जब बच्चों को इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, पेरेंट्स को एक पीस मिलता। हमारे बच्चे हैं ही ऐसे, सबसे बेस्ट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.